नगली में हेयर कटिंग कराने गए युवक पर हेयर सलून संचालक ने अन्य युवकों के साथ मिलकर कैंची से सीने पर एक साथ कई बार वार कर दिया। घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। वही थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सैद नगली थाना कस्बे के मोहल्ला चौड़ी सड़क मदीना मस्जिद निवासी 20 वर्षीय रोहित पुत्र तौफीक समारोह के प्रोग्राम में जाने के लिए उससे पूर्व मोहल्ले में हेयर कटिंग कराने गया हुआ था, जहां किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। वही हेयर सलून संचालक ने साथियों के साथ मिलकर युवक पर कैंची से जानलेवा हमला बोल दिया और एक साथ कई बार वार कर दिए, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वही आनंद फानंद थाने पहुंचे पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई, जहां से थाना पुलिस ने घायल को सीएचसी केंद्र में उपचार के लिए भर्ती करा दिया। वही चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। आज दिनांक 15/5/22 को सुबह लगभग 9:45 बजे थाना सैद नगली के कस्बा सैद नगली में मोहम्मद रोहिद कुरैशी बाल कटवाने के लिए कस्बे में ही महबूब हुसैन नाई की दुकान पर गया था। वहां आपस में कुछ कहा सुनी हो गई। महबूब नाई ने कैंची से रोहिद कुरैशी के सीने पर वार कर दिया। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा मजरूह को इलाज के लिए CCSF भेजा। अन्य उच्च अधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे। इलाज के दौरान रोहित कुरैशी की CSC हसनपुर में मृत्यु हो गई। शव का पंचायतनामा भरकर वास्ते पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है, उसमें अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।